हमीरपुर जिला में कोरोना के दोनों पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला में कर्फ्यू में कुछ राहत दी गई है और इसके चलते ही अब सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक सुबह की सैर के अलावा 7 से 11 बजे तक दुकानें भी खोली जा रही हैं। बाहरी राज्यों से हमीरपुर करीब 5,500 लोग पहुंचे हैं जिन्हें होम क्वारंटाइन करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं और अगर कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ अब FIR दर्ज की जाएगी। हमीरपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद गत 14 दिनों के भीतर कोई नया मामला सामने नहीं आने के बाद और दोनों संक्रमित लोगों के टेस्टों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के कारण हमीरपुर नगर परिषद तथा इसके साथ लगती तीनों पंचायतों के कंटेनमेंट जोन और 6 पंचायतों से बफर जोन को हटा दिया गया है। DC हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बताया कि हमीरपुर जिला में 7 से 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील के दौरान आवश्यक चीजों की दुकानें भी खुली रहेंगी। जो हमारे 17 अप्रैल को रेंडम सैंपलिंग के बाद जो 2 केस पॉजिटिव आए थे उसके बाद में हमने हमीरपुर टाउन और उनके साथ की जो 6 पंचायतें थी 3 पंचायत हमीरपुर टाउन के साथ में लगती हुई उनको कंटेनमेंट में प्लस बफर जोन में 9 पंचायतों को रखा था। उसके अलावा जो सेकेंड हॉटस्पॉट था हमारा जोलसपर के साथ में वहाँ भी हमने 3 पंचायतों को कंटेनमेंट में रखा था। तो उसके बाद में जितने भी पॉपुलेशंस थी इन 2 हॉटस्पॉट्स को जो 2 एपिक सेंटर्स थे उनकी हमने सारी जो भी बफर और कंटेनमेंट जोन में पॉपुलेशन आई थी उनकी थोरोली स्क्रीनिंग की थी और जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट और सेकंड कॉन्टैक्ट उन फैमिली के थे सभी का हमने सैंपल लिए और हम सभी की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी। उसके बाद में जो SOP होता है जो कोरोना प्रोटोकॉल का होता है उसके तहत हमने इसकी हिस्ट्री के लिए ट्रेस करने के भरे पूरे प्रयास किए और 14 डेज तक हमने इसको कंटेनमेंट में सीलिंग करके रखा और उसके बाद जैसे टाइम जो ऑर्डर थे 17 तारीख के हमने विड्रॉ किए हैं और अब पूरे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कंटेनमेंट एरिया को हटा दिया है हमने और जो ऑर्डर रिलैक्सेशन MHA की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट में अदर पार्ट्स में लागू थे वो हमीरपुर टाउन और जो कंटेनमेंट एरिया की जो पंचायतें थी उनमें भी लागू हो जाएंगे। और उसके अलावा जो रियायत है कर्फ्यू पीरियड में रिलैक्सेशन में खुलने की वो 7 से 11 रहेगी हुआ है। कई बीच में क्वेश्चंस भी है कि ये दुकानें पंचायतों में खुल रही है ये MC एरिया में खुलेगी या नहीं खुलेगी तो उसको लेके हम क्लियर है कि MC एरिया में वही दुकानें खुलेगी जो एसेंशियल और MHA की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्टेड है। उन्होंने बताया कि इस समय तक हमीरपुर जिला में करीब 5,500 लोग बाहरी राज्यों और विदेशों से आए हुए हैं तथा सीमाओं पर उनकी स्वास्थ्य जांच द्वारा चेकिंग करने के उपरांत ही डाटा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंचायत प्रधानों की अध्यक्षता में 10 लोगों की प्रत्येक पंचायत में टीमें गठित की गई हैं तथा बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी की जिम्मेदारी पंचायत प्रतिनिधि और वार्ड मेंबर की तय की गई है। एक हफ्ते का डाटा की बात कहूँ 25 अप्रैल के बाद में जब बाहर से काफी लोग इंटरस्टेट मूव किए या इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हुआ तो उसमें 25, 26, 27, 28, 29, 30 जो 6 डेज का डाटा है वो हमारा लगभग 5,500 के आसपास पॉपुलेशन का है जिसमें इंटर स्टेट के भी है और आउट ऑफ स्टेट्स के भी है और हमने सब डिविजन वाइज उनकी लिस्ट बना रखी है कि कौन कौन से स्टेट से कौन आ रहा है किस पंचायत में कितने लोग जा रहे हैं। 3 लेवल चेकिंग हम लोग कर रहे हैं बेरियर्स पे जितने भी हमारे बेरियर्स हैं 6 बेरियर्स हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट जो उस पर नदौन साइड के और बड़सर साइड के ऊपरी साइड के जहाँ से मोस्ट ऑफ दी बाहर से स्टेट से लोग आते हैं उन पर भी थोरोली हमने मेडिकल टीम पुलिस की टीम तो बेरियर है ही है डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर के साथ हमने लोग बिठा रखे हैं। होम क्वारंटाइन के वायलेशन के रेस्पेक्ट में है हमने स्ट्रिक्टली कर रखा है इसमें कि प्रधानों के अंडर में हमें कमेटियाँ बना रखी हैं पंचायत विल भी रेस्पॉन्सिबल बॉडी रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है बट वार्ड मेंबर में या जो लोग आए हैं उनको इन्फॉर्म करना और होम क्वारंटाइन को फॉलो करना वो कंपलसरी है। और इसमें हम लोगों ने हर पंचायत में 8 से 10 लोगों की कैपेसिटी के इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन की फैसिलिटी भी क्रिएट की हुई है। अगर इफ समबडी वायलेट्स दी होम क्वारंटाइन रूल्स वी विल शिफ्ट देम टू दी इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन अगर उसके बावजूद भी कुछ तरह से करते हैं तो देन हम जो भी लीगल एक्शन होगा वो लीगल एक्शन लेंगे।